राइट नाउ हूँ पोकेमोन फायर रेड जीबीए रोम चिट्स के साथ। तो अब भी मैं हूँ विंड्रियन फॉरेस्ट रूट 2 में। तो ये मेरा पहला वीडियो है, लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओके, तो मैंने एक तो रेयर कैंडी की चिट डाली है और दूसरा है मास्टर बॉल की चिट। तो अब मैं आपको मेरे पोकेमोन दिखाता हूँ। एक तो है पिजोटो, उसके पास टैकल है, वॉलविंड है, गस्ट और क्विक अटैक है। तो चार्जर के पास स्क्रैच, स्केरी फेस, फ्लेम थ्रोवर और विंग अटैक है जो 40 लेवल का है, और पिजोटो 20 लेवल। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो इससे बात करके देखते हैं क्या होता है। ओके, मेरे को यहाँ पे एक बंदा है, उससे जाके देखते हैं। ओके, तो अब हम उससे बैटल करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कौन जीतेगा। तो ऑब्वियसली मैं ही जीतने वाला हूँ क्योंकि मेरी लाइफ ज़्यादा है, पर ये जो सारे पॉइजनस पोकेमोन है ना, वो भी कम नहीं है। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, पता है क्या, जब वो है ना अटैक करते हैं ना, तब हमें पॉइजन वगैरह लग जाता है। तो इसलिए अभी मेरे पास एंटीटोड भी नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ टैकल अटैक करने वाला हूँ ताकि मुझे कुछ ना हो। और फिर भी कभी कभी टैकल अटैक करने से भी हो जाता है। ओके, तो हमें 72 रुपीस मिल चुके हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ जाए। यहाँ पे एक और बंदा है। ओके, तो अब हमें एक एंटीडोट मिल चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आई थिंक सो, और बहुत बड़ा जंगल है ये। देखो दोस्तों, इस बेडल आ चुका है। हम इस बेडल को नहीं पकड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें बहुत और बहुत पोकेमॉन्स है। ओके, एक कैटरपिलर भी है, मैं इसे भी नहीं पकड़ने वाला हूँ दोस्तों। आपको पता है इस जंगल में पिकाचू मिलता है, बट बहुत रेयरली मिलता है दोस्तों। रुको, मैं चेक करता हूँ पोकेडेक्स में। तो मैं चेक कर लेता हूँ, पहले सेव करता हूँ। चेक करते हैं दोस्तों पोकेडेक्स। ओके, फॉरेस्ट पोकेमोन में देखते हैं वेडल, पिजी और पिजोटो जो हमारे पास है। ओके, स्क्वर्टल। तो हम हमारे पोकेमोन्स देखते हैं, चार्मिंडर, चार्मिलियन, चार्जार्ड और पिजी पिजोटो। ओके, तो ये सब इतने ही है हमारे पोकेडेक्स में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और बंदा है, लगता है इससे भी फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके, तो टैकल करते हैं दोस्तों। ओके, वो हार चुका है दोस्तों, तो हमने हरा दिया उसे और हमें 108 रुपीस मिले हैं। तो एक और विडल आ चुका है जो 5 लेवल का है, मैं इसे भी नहीं पकड़ूंगा दोस्तों। तो ये देखो, तो अब हम बाहर आ चुके हैं प्यूटर सिटी में। तो हम पहले जाके हील कर लेते हैं हमारे पोकेमोन्स को। ओके दोस्तों, नर्स जो ने हमारे पोकेमोन हील कर दिए हैं। अब हम पहले बैच के यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे एक रास्ता है, चलो जाके देखते क्या होता है। ये हमें कहाँ लेके जा रहा है? अच्छा, यहाँ पे है जिम। ठीक है, ओके, मैं उसे डिफीट करके आता हूँ दोस्तों। ओके, यहाँ पे एक और बंदा है, लगता है इससे भी लड़ना पड़ेगा। वो देखो, ब्रॉक वहाँ पे आगे बैठा है पत्थर पे।
देखते हैं इस बंदे के पास कौन से पोकेमॉन्स है। ओके इसके पास जियोड्यूड है 10 लेवल का। ओके ये अटैक्स काम करने नहीं वाले उसके ऊपर, एक बार गस्ट अटैक करके देखता हूँ दोस्तों। ओके एक बार क्विक अटैक। ओके चलो दोस्तों वो हारने वाला है, हम क्विक अटैक ही करते हैं। ओके दोस्तों ओके थोड़ा सा ही रह चुका है। दोस्तों तो हमने हरा दिया है जियोडूड को, तो नेक्स्ट पोकेमॉन है सैंडश्रू, तो मैं मेरा पोकेमॉन चेंज नहीं करने वाला हूँ दोस्तों। तो सैंडश्रू है 11 लेवल का, तो चलो अब हम पहले स्टार्टिंग क्विक अटैक से करते हैं। ओके तो उसकी आधी लाइफ चली गई है आई थिंक सो, एक और क्विक अटैक से काम बनना चाहिए। ओके बहुत बहुत कम लाइफ बची है सैंडश्रू की दोस्तों, तो हम अब ओके सैंडश्रू भी चला गया दोस्तों, हमने हरा दिया सैंडश्रू को भी, तो हमने इस बच्चे को भी हरा दिया है, तो हमें 220 रुपीस मिले हैं दोस्तों। ओके तो अब मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है थोड़ी पिजोटो के साथ, इसलिए मैं स्विच कर लेता हूँ चार्जर के साथ। ओके अब हमारा मैच है पहला जिम लीडर जिसका नाम है ब्रॉक। ओके शो मी योर बेस्ट। ओके ब्रॉक ओके ओके तो हम देखते हैं विंग अटैक से काम बनना चाहिए। ओके वो मर गया है दोस्तों। ओके ऑनिक्स में चेंज नहीं करूंगा दोस्तों पोकेमॉन, डिस्टर्ब में फ्लेम थ्रोवर अटैक यूज करूंगा। ओके ऑनिक्स भी चला गया दोस्तों, वो हार चुका है। ओके हमने लीडर ब्रॉक को डिफीट कर दिया दोस्तों। ओके दोस्तों ओके हमें 1400 रुपीज मिले हैं ब्रॉक से। ओके तो हमें एक टीएम भी मिला है। तो वो है TM39 जो कंटेन करता है रॉक टॉप। चलो दोस्तों अब हम बाहर आते हैं, अब जाते हैं। जाते हैं दोस्तों अंदर। ओके दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।